उनकी आखिरी परफॉर्मेंस की, और ये ऐसे परफॉर्मर है जिनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमेशा ही हम सब बहुत बेकरार होते हैं और बेसब्री से इनका इंतजार करते हैं। तो बुलाते हैं यो हिट द बीट से नाम बाजवा। अपनी पिछली परफॉर्मेंस में तो सबको घायल कर दिया, सबके दिल उछल पड़े, मचल पड़े, तो अब आप इस राउंड में क्या करने वाले हैं? पिछली बार की तरह इस बार मैं बहुत ही रोमांटिक सी थीम पेश करने जा रहा हूँ। रोमांटिक फिर से आपकी थीम, और प्रॉप क्या है आपका? मेरा प्रॉप रिबन है। रिबन, ओके, आई एम श्योर यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो देखते हैं कि कैसी आप दिल धड़का देने वाली परफॉर्मेंस करते हैं। गुड लक टू यू। थैंक यू मैम। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रह के सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीन आसमां। क्यों होता है असर, क्यों होती है सहर, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, यू आर अ प्रो, मतलब जो भी किया इतने दिलो जहां से किया, इतनी प्रैक्टिस की, उस रिबन को यूज करना कोई आसान काम नहीं है। आपने इतनी बारीकी से प्रैक्टिस की होगी कि आपको एक एक स्टेप, एक एक मूवमेंट इतना ब्यूटिफुली आपने किया। एंड ऑफकोर्स द टॉर्च, व्हाट अ नॉवल आइडिया, इसमें डेफिनेटली आपके डांस गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ है और उनका आशीर्वाद भी है। पूछते हैं उनसे क्या लगा, कैसा निभाया नव ने? बहुत बढ़िया निभाया नव। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक एक लाइन के ऊपर जो रिबन से आपने जो डांस को आपने शो किया है ना, फीलिंग से बताई है, दैट वॉज फैंटास्टिक। और बाद में टॉर्च, वेरी वेल डन। सच में बताऊं, जिमनास्ट में तो तू बाहर है बिल्कुल एकदम, इतना अच्छा जिमनास्ट करता ना, इसके फादर बहुत अच्छे जिमनास्ट की कोच है, एंड आई जस्ट थैंक्स हिम कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो बेसिक भरा है इसमें, वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। शीना,
बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने और आज एक नया नव देखा हमने, बहुत अच्छा। नीरज, नव बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रिबन का तो बहुत अल्टीमेट यूज किया और मुझे लग रहा था कि आज तुम चारों तरफ रिबन से लिख रहे हो कि नव ही किंग है, चारों तरफ एवरीवेयर, नीचे ऊपर इधर उधर हर जगह नव नव, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जजेस। मैं वाकई तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि नव ने डांस भी किया और जो फॉर्म बैले फॉर्म उसने किया वो बहुत टफ है करना, और पिछली बार भी रोमांटिक थीम था और इस बार भी रोमांटिक थीम था, तो हम सोच रहे थे कहीं कुछ रिपीटेशन ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल रिपीटेशन नहीं था। थैंक यू। बिल्कुल अपने नाम की तरह, आपके नाम की तरह नव आपकी परफॉर्मेंस भी एकदम नई थी और सच में मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, इतनी क्लीन परफॉर्मेंस। एंड आई कांट हग सो मेनी पीपल इन वन एपिसोड यार, इट इज नॉट फेयर। जोसेफ, शुड आई हग हिम? नाउ यू थिंक आई शुड हग यू? ओके, हियर आई कम। These performers are driving me crazy और मुझे यकीन है कि घर बैठे बैठे जो लोग देख रहे हैं वो भी पागल हुए जा रहे हैं कि एक से बेहतर एक परफॉर्मेंस, और हमारा काम उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, ऐसा टैलेंट, इतना स्किल भरा परफॉर्मेंस जो आपने हमें दिखाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया नव, इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच यू। करण जी, सुनीता जी आप वहां चली गई हैं तो चेक कर लीजिए जासूसी से कि उस रिबन में कोई बैटरी तो नहीं डली हुई थी। वेरी ऑनेस्टली नव, मैंने बहुत बड़ा नोट बनाया था इधर, नव लिखा था, प्लस लिखा था, पॉजिटिव्स और नेगेटिव लिखा था, और पूरे मन से सोचा था कि इस बार नव की परफॉर्मेंस बारीकी से देखूंगा और सब कुछ लिखूंगा, क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, और ये लिखा है मैंने। It was mind blowing. I could not take off my eyes. Thank you, sir. I think everybody just stand for him. One should clap now. Thank you. सारे पुराने गिले, शिकवे, कमियां सब कुछ पूरी कर दी हैं आज हमारे सारे फाइनलिस्ट ने। You guys are too good and this performance was awesome. Thank you so much, Sangeeta. जिसने मुझे ये तैयार कराया मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। जरूर। मेरी सिस्टर और पूजा मैम प्लीज आप स्टेज पे आइए। किसी बच्ची के बारे में वो भी बताओ नव, कहां तक पहुंच चुकी है जिमनास्ट में प्लीज। या श्योर जी, अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुई है रिबनी जिमनास्टिक्स में। पूरी फैमिली ही टैलेंटेड है, टैलेंट से भरपूर ये फैमिली है, एंड ऑफ कोर्स ही वांट्स टू थैंक हिज टीचर आल्सो। माय कोरियोग्राफर पूजा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू संगीता, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ज्यादा आपको दुआओं की और ऑल द बेस्ट की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज आपका टैलेंट ही सर चढ़कर बोलता है, बट गुड लक एनीवे। अब और भी परफॉर्मेंसेस आगे बाकी, आपका दिल तो नहीं चाह रहा कि कहीं भी जाएं अपनी टीवी स्क्रीन छोड़कर, लेकिन लेना पड़ेगा एक छोटा सा लिम का ब्रेक।